नागपंचमी। जान लीजिए क्या है तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त आज मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पीच। हिंदू धर्म शास्त्रों में नागपंचमी का विशेष महत्व है। नागपंचमी भगवान शिव के महासावन में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। बता दें कि आषाढ़ पूर्णिमा के बाद से सावन माह की शुरुआत हो रही है। शास्त्रों में सावन का महीना बेहद ही शुभ माना गया है। इस पूरे माह में भगवान शिव की पूजा उपासना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस माह में कई व्रत और त्योहार भी मनाए जाते हैं, लेकिन सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा उपासना का दिन होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि नाग पंचमी का पर्व इस साल कब मनाया जाएगा और इस दिन का शुभ मुहूर्त और तिथि आपको क्या है। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस बार 9 अगस्त के दिन पड़ रही है। एक बार फिर बता देते हैं, ये तिथि 9 अगस्त के दिन पड़ रही है। आपको बता दें कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 9 अगस्त से मध्यरात्रि 12:36 पर शुरू होगी और 10 अगस्त को सुबह 3:14 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार नागपंचमी का पर्व 9 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। बता दें कि इस दिन नाग देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 से शुरू होकर 8:30 तक रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाग पंचमी के अवसर पर अनंत वासुकी शेष पद्म संबल कर्कोटक अक्षंत्वर धृतराष्ट्र कालिया शंखपाल तक्षक आदि नागों की पूजा की जाती है। इस खास दिन नागों को दूध पिलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और कई प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति भी मिलती है। वहीं जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उन्हें नाग पंचमी के दिन नाग देवता को विशेष उपासना करके मनाना चाहिए। इससे दोषों का अशुभ प्रभाव कम होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। तब तक के लिए